बताने जा रहे हैं कि कैसे आप 51 चावल के दानों से किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर पाएंगे। जी हाँ, 51 दाने चावल के 51 बार मंत्र पढ़ते ही वो व्यक्ति सम्मोहित हो जाएगा आपकी तरफ, और आप जो कहेंगे वो बात आपसे जरूर मानेगा। आपकी आपकी कही हुई बात को मना करना उसके लिए नामुमकिन हो जाएगा। तो आइए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि क्या है तरीका किसी को अपने वश में पूरी तरह से करने का। एक आसान सा उपाय आज मैं आपको बताती हूँ। इस उपाय से आप किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो या आपकी जान पहचान का हो या फिर आपका कोई रूठा हुआ परिजन हो, जी हाँ आपके रिश्तेदार हो या फिर आपके प्रेमिका हो, आप किसी को भी अपने वश में कर पाएंगे। आपको बस एक ही सामग्री चाहिए और वो है चावल के दाने। याद रखिए, चावल के दाने कोई भी आप ले सकते हैं। इस तरह से आप 51 चावल के दाने गिन कर ले लीजिए। चावल किसी भी साइज का, कोई भी चावल आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कोई पर्टिकुलर चावल। आप इस तरह से 51 चावल के दाने सामने रखकर बैठ जाइए, और ये विधि आपको मंगलवार के दिन करनी है। मंगलवार के दिन स्वच्छ होकर आप चावल के दाने सामने रखिए, और उसके बाद उस व्यक्ति का नाम आपको मन ही मन लेना है, और ये मंत्र आपको 51 बार बोलना है। जैसे जैसे आप इसे बोलते जाएं, चावल को इस तरफ से दूसरी तरफ करते जाएं, यानी कि मंत्र है ओम काम देवाय वश्यम अमुक कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र दोबारा सुन लीजिए, मंत्र है ओम काम देवाय वश्यम कुरु कुरु स्वाहा, और हर बार एक चावल का दाना इस तरफ आपको ऐसे निकालते जाना है। हर बार मंत्र पढ़ने के बाद चावल का दाना एक तरफ कर दीजिए। ऐसे करते करते 51 बार आप इस मंत्र को पढ़िए, और उसके बाद ये जो चावल के दाने हैं आपको इनको उठाना है और ले जाकर आपको इन्हें खुले में फेंक देना है। जी हाँ, कोशिश कीजिएगा कि आप अपने घर से थोड़ा दूर जाकर इसको फेंकें, घर के आसपास इसे बिल्कुल ना फेंकें। आप देखेंगे कि मात्र कुछ ही घंटों में जिस व्यक्ति का नाम लेकर आपने मंत्र किया होगा वो व्यक्ति आपके वश में होगा, आपकी मुट्ठी में होगा। जी हाँ, आपके लिए दीवाना हो जाएगा, और आप जो भी करवाना चाहेंगे उस व्यक्ति से वो व्यक्ति खुशी खुशी करेगा। आपको किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं डालना पड़ेगा। तो ये तो था आज का वीडियो, आप इसका उपयोग कीजिए। कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो, आप देश के, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, आप हमारे नंबर पर कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। तो भक्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको बताएंगे अगले वीडियो में कोई और उपाय। आज अगर आप इस तरह का कोई भी उपाय करते हैं तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपका कार्य अवश्य पूरा होगा। तो भक्तों, हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।